लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश की कमी, खंड वर्षा और अल्प वर्षा के मद्देनजर विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर सार्वभौम पीडीएस के लिए पर्याप्त चावल का भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीफ वर्ष 2019-20 और 2020-21 में किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान का निराकरण, समितियों से धान का उठाव, कस्टम मिलिंग तथा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई और छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम नॉन में निर्धारित मात्रा में चावल की आपूर्ति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। बैठक नवीन विधायक कॉलोनी पुरैना स्थित सरगुजा कुटीर में आयोजित हुई। बैठक में नॉन के अधिकारियों ने बताया कि सार्वभौम पीडीएस के लिए उनके पास 2 माह का राशन भंडारित है। खाद्य विभाग का समीक्षा बैठक बुलाया था, उसमें प्रमुख रूप से 2019-20-21 के धान का निराकरण के बारे में, एफसीआई और नागरिक आपूर्ति निगम में जो जमा चावल है उसके अद्यतन स्थिति के बारे में एवं 2021-22 में आगामी वर्ष में जो धान खरीदी किया जाना है उसमें बारदाने की जो आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में तैयारी के लिए मैंने बुलाया था और निराकरण लगभग अंतिम चरण में है। जो 21-20 का जो चावल है, धान है, उसमें से 51,32,000 समिति से उठ चुका है। 1-19 का सुखद है, 70,000 समिति में है, 856 टन जो है वो संग्रहण केंद्र में है और शेष निराकरण के लिए 926 है। इसमें से डीओ 664 का कट चुका है और जो 664 में 399 में जाना है और 364 एफसीआई में जाना है। तो इस प्रकार से धान का निराकरण का भी प्रतिशत काफ़ी अच्छा है और आगामी 1 महीने में इसका निराकरण पूरी तरह से हो जाएगा। सुखद के लिए जिम्मेदार कौन है, इतने भारी मात्रा में जो है राज्य सरकार? देखिए, सुखद के लिए जिम्मेदार कौन है ये कहना थोड़ा सा बड़ा कठिन होगा, लेकिन सुखद तो पहले भी आते रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में भी जब खरीदी किया जाता था उसमें सुखद आता था। उसकी अलग बात है कि उनके समय जो खरीदी होता था कम होता था, सुखद कम दिखता था और इस समय खरीदी ज़्यादा हो रहा है तो सुखद इसका जो निराकरण में जितना ज़्यादा समय लगेगा सुखद आता है। आज का जो बैठक था मुख्य रूप से उन्हीं सब के लिए था कि एक तो बारिश कम हो रही है, खंड वर्षा की स्थिति है, कहीं अल्प वर्षा की स्थिति है, हमारा जो चावल है वो पर्याप्त भंडारण रहे उसकी व्यवस्था हमको देखनी है। तो अभी जो चावल का जो जमा होना चाहिए वो हमारे पास 3 महीने का स्टॉक एक्स्ट्रा रहना चाहिए। वो लगभग अभी जो तत्कालीन में अभी तत्काल में देखने से 2 महीने का है, 1 महीने का स्टॉक और बढ़ाना है, उसके लिए निर्देश दिया है और उसमें तेजी लाने के लिए हमने कहा है। ये सूखे की स्थिति बनती है तो क्या करेंगे आप लोग, जैसे आकलन किया गया? सुखद आएगा तो सुखद को निराकरण करने के लिए उसका किस प्रकार से करना है उसके लिए गाइडलाइन बना है। बारिश की वजह से जो सूखा पड़ेगा उसमें उसके लिए कुछ, उसके लिए लोगों को खाद्यान्न का कमी ना हो, लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिले, ये सरकार की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है और उसको पूरा करने के लिए ही समीक्षा बैठक हम समय समय पर लेते रहते हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा में 3 महीने का जो स्टॉक रहना चाहिए वो मेंटेन रहना चाहिए और उसमें हमने तेज़ी लाने के लिए कहा है।